देखने का निर्णय लिया। सीनियर देखने के लिए मैं आपका ध्यान एरिया टूर बंप एरिया व्हाइट क्रॉस क्रीम की ओर ले जाऊंगा। अब मैं आपका ध्यान आपके राइट में एरिया ऑरेंज क्रीम की ओर आकर्षित करूंगा, जहां हमारे देश की इन्फेंट्री और उसके इमदादी दस्ते अपने ऑब्जेक्टिव पर हमला करने के लिए फॉर्म अप हो रहे हैं। एरिया ऑरेंज से हमारी इन्फेंट्री का रिलीज पॉइंट है, क्योंकि अब गन्स और मोटर का फायर बंद हो गया। आगे बढ़ते की असर्टिंग ग्रुप के रास्ते के दौरान माइंड द्वारा दर्शाया गया है, जिसे असर्टिंग ग्रुप ग्रैपनल की मदद से फ्रीज करता है। इस कार्यवाही का एग्जीक्यूशन आप अपने राइट में होता हुआ देख सकते हो। इन्फेंट्री से प्लेन बनाती है, असॉर्टिंग ग्रुप दुश्मन द्वारा लगाए हुए वायर ऑफ सिग्नल पर पहुंच जाती है और वायर ऑफ सिग्नल को काटने की कार्यवाही करती है। करने के कई तरीके होते हैं, जैसे राइफल पर लगा हुआ बैनेट, ब्रैकेट, दोहराते हुए शक्ति को और उसके सैनिकों ने दुश्मन को परास्त कर दिया है और ऑब्जेक्टिव पर तिरंगा लहरा दिया है। इसी के साथ यह इंटीग्रेटेड फायर एक्सरसाइज कृपान शक्ति समाप्त होती है। अभी ये गाइस एरिया टूर बंकर कॉम्प्लेक्स में एक और राउंड फायर करेगी। एरिया टूर बंकर कॉम्प्लेक्स लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी होगी, बल्कि वह खुद ही पूरे रूप से समाप्त हो चुका होगा।
भेजने का निर्णय लिया। सीनियर देखने के लिए मैं आपका ध्यान एरिया टूर बम एरिया व्हाइट क्रॉस ग्रीन की ओर ले जाऊंगा। अब मैं आपका ध्यान आपके राइट में एरिया ऑरेंज ग्रीन की ओर आकर्षित करूंगा, जहां हमारे देश की इन्फेंट्री और उसके इमदादी दस्ते अपने ऑब्जेक्टिव पर हमला करने के लिए फॉर्म अप हो रहे हैं। एरिया ऑरेंज ग्रीन हमारी इन्फेंट्री का